आई होप 2018 तक आ जाए, अगर हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं उसके ऊपर। पता नहीं अभी तो ये इलेक्शन जाएगा, फिर अगले कौन से इलेक्शन के बाद तक वो फिल्म रिलीज़ होगी। आई थिंक आई मीन आई रियली वॉन्ट टू वॉच द फिल्म नाउ। आई थिंक बहुत शर्मनाक चीज़ है कि एक लोकतंत्र में जहाँ पे हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, वैसे संदर्भ में इतना हैरेस किया जा रहा है कलाकारों को, और एक ऐसे विषय पे जो जो ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक विषय है, ये एक फिक्टिशियस कहानी है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पोयम है ये, तो ये मतलब ये ऐसी फीलिंग नहीं, हीर रांझा पे कोई लोग लड़ाई करनी शुरू करने या लैला मजनू पे ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो कितना रिडिक्यूलस लगेगा। सो आई फ्रेंकली आई मीन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स रिडिक्यूलस एंड आई विश दैट आर लीडर्स वुड टेक would stand up for the constitution. दीपिका के लिए काफी मतलब आपत्तिजनक ये मतलब जिस तरह से बातें की जाती हैं, बड़ा ही मतलब किसी के लिए भी मुझे लगता है एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज सोसाइटी में जहाँ पे सरकार का रूल ऑफ लॉ और एक गवर्नेंस होनी चाहिए, वहाँ पे अगर आपके ही लीडर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 5 करोड़ की बाउंटी है और जो भी सर ले आए डायरेक्टर का, या हम किसी कलाकार का नाक काट देंगे, तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं, छिछली बातें हैं और शर्मनाक बातें हैं, मतलब बहुत ही बहुत ज्यादा बुरी बात है। आई थिंक उसके लिए बतौर समाज हमें अपना विरोध रजिस्टर करना चाहिए इस पूरे मुद्दे पे कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये किसी मायने से सही नहीं है, ये ना लोकतांत्रिक आदर्शों के तहत सही है, ये ना हमारे संविधान के तहत सही है और ना ये कानून के तहत सही है। सो या अब मैं जब जेल जाऊंगी तो आप आ जाना मेरा इंटरव्यू लेने। हाय, मैं हूँ ज़रीन खान। लहरे को 30 साल पूरे हो गए हैं और उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।